हेलो गाइस गाइस, अगर आप भी चाहते हैं इस टाइप का फोर रीडिंग करना तो गाइस एक ही क्लिक में गाइस आप लोग इस टाइप का फोर रीडिंग कर सकते हैं कुछ सेकंड के अंदर। तो गाइस इस वाला वीडियो तो बहुत ही छोटा होने वाला है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो जब भी आप अपने फोटो को एडिट करेंगे एक मॉडल के जैसे एडिट कर पाएंगे, वो भी कुछ सेकेंड के अंदर। तो गाइस अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए, इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना ऑल पर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो गाइस लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद सिंपली गाइस आपको जो नीचे प्लस वाला आइकन दिख रहा है गाइस इसमें क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही गाइस आप अपने गैलरी पर आ जाएंगे। और गैलरी पर आने के बाद गाइस आपको इस वाले पीसेट को ले लेना है। तो इस वाले पीसेट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो गाइस आप लोग इजीली जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइस आपको जिस फोटो को आप लोग एडिट करना चाहते हो उस फोटो को ले लेना होगा। तो गाइस हम लोग इस वाले फोटो को अप्लाई करना चाहते हैं, इस वाले फोटो को एडिट करना चाहते हैं, जिस वाले फोटो को हम लोग ले लिया है उसके बाद गाइस आपको सिंपली यहां से ऐड कर देते हैं। और ऐड करते ही गाइस हम लोग जो इस वाला फोटो है वो हमारे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर चला जाएगा। तो हम लोग सिंपली यहां से बैक आ जाएंगे। और बैक आते ही गाइस आप लोग देख सकते हो ऑल फोटो पर हमारा जो फोटो है वो आ चुकी है। तो गाइस उसके बाद आप जिस वाले पीसेट को एक्सपोर्ट किया है उस वाले पीसेट को गाइस आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस ऊपर में जो 3 डॉट दिख रहा है गाइस इसमें आपको क्लिक करना है। और यहाँ से गाइस आपको लिखा हुआ आएगा कॉपी सेटिंग्स। गाइस कॉपी सेटिंग्स में आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस उसके बाद गाइस ऊपर में जो राइट वाला बटन दिख रहा है इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो इस फोटो में जो भी टूल्स यूज किया गया है उस वाले टूल्स को पूरे कॉपी हो जाते हैं। कॉपी कर लेने के बाद गाइस आपके यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद गाइस आप जिस फोटो में इसको अप्लाई करना चाहते हैं उस फोटो को ले लेना है। उसके बाद गाइस आपको 3 डॉट में आना है। और यहाँ से गाइस आपको पेस्ट सेटिंग्स में पेस्ट कर देना है। तो गाइस पेस्ट करने के बाद बूम गाइस आप लोग देख ही सकते हैं फोटो कितने अमेजिंग बनके तैयार हो चुके हैं। एक ही क्लिक में गाइस फोटो एडिट हो चुके हैं कितने ऑसम तरीके से। तो गाइस बिफोर में कैसा फोटो था और आफ्टर में कितना ऑसम बनके तैयार हो चुके हैं। तो गाइस चलिए हम और भी फोटो में अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। तो गाइस आप इस वाले फोटो को ले लेते हैं। और इस वाले फोटो को लेने के बाद गाइस 3 डॉट में आ जाते हैं और फिर से पेस में पेस कर देते हैं। तो गाइस फोटो देख ले, इस वाले फोटो भी कितना ऑसम तरीके से एडिट हो चुके हैं। तो गाइस और भी एक फोटो है उसमें भी आप लोग को अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो इस वाले फोटो में भी अप्लाई करके दिखा देते हैं गाइस। फिर से 3 डॉट में आके गाइस पेस सेटिंग्स में पेस कर देते हैं। तो बुम गाइस कितना ऑसम तरीके से इस वाले भी फोटो एडिटिंग हो चुके हैं, कितना ऑसम लग रहा है। तो गाइस अगर वीडियो आपको थोड़ा सी भी अच्छा लगा, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो कर देना लाइक। अगर आप लोग आगे भी इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो पाना चाहते हैं, इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन दिया गया है गाइस उसमें आपको क्लिक कर देना है। और आपको नोटिफिकेशन को ऑल पर कर देना है गाइस। जब भी आप ऑल पर कर देंगे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जब भी हम इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे आपको पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो गाइस आप लोग नहीं जानते किस तरह से फोटो को सेव करना है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर से, तो गाइस आपको यहाँ से शेयर में आ जाना है। और यहाँ से जो लिखा हुआ दिख रहा है गाइस सेव टू डिवाइस में, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही गाइस आपको जो फोटो है गूगल आई पर जाकर सेव हो जाते हैं।